मैं हूँ विनय बिहारी सिंह। आज सतवान है और उत्तर प्रदेश में, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में सतवान का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। धूमधाम से मतलब सत्तू को विशेष तौर पर तैयार किया जाता है और उसके साथ आम की चटनी जरूर होती है, नींबू जरूर रहता है, नींबू नहीं है तो नींबू का अचार जरूर रहता है। तो सब लोग बड़े चाव से दिन का भोजन सत्तू करते हैं। सत्तू को किस कोई पीता है, कोई उसको कड़ा से बना के और भोजन करता है। आखिर इसके पीछे हमारे पूर्वजों की क्या सोच थी, देखकर मन चकित हो जाता है कि पूर्वज कितने समझदार थे। देखिए, आम की चटनी में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होती है और आज जब कोरोना का कहर पूरी दुनिया में फैला हुआ है तो सारे लोग, सारे वैज्ञानिक विटामिन सी को ज़्यादा से ज़्यादा लेने का सुझाव दे रहे हैं। और हमारे पूर्वजों ने कहा आम की चटनी ज़रूर खाना है, यानी विटामिन सी, और आम की कच्चे आम में कैल्शियम, मैग्नीशियम ये भी रहता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अच्छा, उधर देखिए नक्षत्रों क्या, ज्योतिषीय क्या परिवर्तन होते हैं। सतुवान के दिन सूर्य मेष राशि में जाता है और सूर्य भी अग्नि तत्व वाला है और मेष राशि भी अग्नि तत्व वाली है, तो इसका मतलब सतुआ जो है ठंडा है तो सतुआ खाना चाहिए। तो पूर्वजों की सोच कितनी गहरी और वैज्ञानिक थी यह जान करके बहुत ही चकित हो जाना पड़ता है। अब आप देखें कि यही नहीं है, जब ग्रह के पूरा ग्रह का ये आता है कि सूर्य मेष राशि में चला गया और सतवान का पर्व आ गया, तो इसके बाद हमारे पूर्वजों ने क्या विधान किया हुआ है कि हमेशा ठंडी चीज़ें, और पहले तो चाय थी नहीं, ये काढ़ा बना के पीने के लिए कहा गया था। तुलसी, अदरक, काली मिर्च, लौंग, इन सब का काढ़ा बना कर, तुलसी का पत्ता भरपूर मात्रा में, और इन सबको ले करके और काढ़ा बना के पिए सुबह शाम। देखिए, आज कोरोना के समय में वो कहा जा रहा है कि इन चीज़ों का, तुलसी, अदरक, काली मिर्च और लौंग का काढ़ा बना के पीजिए। तो देखिए, कितने हजारों वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने ये सब पीने को कहा था और आज कोरोना के संक्रमण के ये महामारी काल में भी यही कहा जा रहा है। हमारे पूर्वजों ने कहा था कि हमेशा गर्म पानी पीना चाहिए और आज कोरोना के इस कहर में गर्म पानी पीने को। तो देखिए, हमारे पूर्वजों की सोच बहुत वैज्ञानिक, बहुत ही स्वास्थ्य के प्रति सचेत और बहुत ही संतुलित सोच थी। तो आइए हम लोग फिर अन्य अवसरों पर भी अपने पूर्वजों की सुझाई गई चीज़ों पर गौर करें और यह जानें कि उन्होंने ऐसा विधान क्यों बनाया था, ऐसा खान पान क्यों सजेस्ट किया था। और यही नहीं, उन्होंने जीवन पद्धति को किस तरह हमें बनाने को कहा था। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे। शुक्रिया, नमस्कार।